हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। कल वीडियो को स्टॉप कर दिया था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, और आज रात से ही वीडियो को फिर से स्टार्ट किया है क्योंकि हम जा रहे हैं हाईवे डायरीज। बहुत ही खूबसूरत से कैफे है, जहाँ तक अभी तक मैंने रिव्यूज देखे हैं, तो एक बार देख कर आते हैं कैसे रिव्यूज के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा अच्छा है। मैंने फोटोज वगैरह में देखा बहुत अच्छा, एक बार देख भी लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। अभी टाइम हुआ है शायद 9:15 पे हम निकल रहे हैं। वैसे वो ओपन रहता है फुल नाइट, 4 बजे बंद होता है भाई, पता नहीं क्या चीज है, वो देख कर आते हैं। बस अभी हम निकल रहे हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं और राहिल और अप्पी और हिना भाजी, हम चारों जा रहे हैं, बच्चे तो हमारे साथ जाते ही हैं, तो बस निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। चलो चलो, बाय बाय, चलो 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 चलो, सब लोग आ चुके हैं, सबकी आंखें चमक रही हैं। दोस्तों आज हम लोग आए हैं हाईवे डायरीज, पूरे 1 घंटे का सफ़र तय करके। तो अगर आपको इसका एड्रेस जानना है तो आप इस तरह समझिए कि जो आमेर कुंडा वाला तिराह आता है वहाँ से ये पूरा 12 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर अपन जयपुर से दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में आपको ये राइट साइड के ऊपर पड़ेगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसके सामने ही आपको कट मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा लंबा टर्न लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट टाइम यहाँ पे जाने का 6 से लेके 9 बजे तक का है। दिन में यहाँ पे इतने मज़े आपको नहीं आएंगे, अगर आप यहाँ पे रात को जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है, और आपको यहाँ पे म्यूज़िक भी मिलेगा, लाइव म्यूज़िक आपको सिर्फ वीकेंड के ऊपर मिलेगा। मज़ा कैसा लग रहा है? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत बड़ा है, पानी पीएगा, पानी निकाल दो। आ गई हाईवे डायरीज, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। इंडियन साइज तो बहुत अच्छा है, शायद थोड़ा और जल्दी आते तो हमें और ज्यादा। हम काफी लेट हो गए, हम अब एक बार जल्दी करो, बिकॉज़ म्यूजिक चल रहा है। जल्दी करो, म्यूजिक चल रहा है। फूड चेक, खाना खाने के बाद बताते हैं कैसा खाना है। चलो बाय बाय फॉर नाउ। गाइज यहाँ पे इतना ज़्यादा म्यूज़िक था कि मैं कोई भी वीडियो डायरेक्ट नहीं डाल पाया, मुझे पूरी वीडियो के अंदर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो अदीबा को, मज़र को, अप्पी को, हिना बाजी को, यास्मीन को, सबको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की जो चाय थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, हक्का नूडल सब बहुत अच्छा था, खासतौर पर जो इन्वायरमेंट था सबसे बढ़िया हमें वो लगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर वीकली या फिर महीने में 2 बार तो पक्का आएंगे ही आएंगे। पूरा 1 घंटा स्पेंड करने के बाद मम्मी का कॉल बार बार आ रहा था कि भाई आ जाओ, घर पे खाना बन चुका है। मम्मी ने स्ट्रिक्टली हम लोगों से कहा था कि जहाँ जाना है वहाँ पे जाओ, लेकिन खाना घर पे आकर ही खाना, क्योंकि खाना घर पे बन चुका था। तो इसीलिए हमने हक्का नूडल्स खाए यहाँ पे और सिंपल सी चाय पी, लेकिन मतलब मज़ा आ गया, टेस्ट यहाँ का बहुत बढ़िया है। और ऑन एन एवरेज आप ये मान लो कि 2 इंसान के या 2 जने के यहाँ पे आपको 500 रुपये लग जाएंगे, मतलब 250 रुपये पर बंदा यहाँ पे आपको स्पेंड करने होंगे। अगर आपको डिसेंट सा कुछ नॉर्मल चीज़ें खाने हैं, अगर आपको पूरा मेन कोर्स खाना है अच्छे से, तो यहाँ पे आप 1000 रुपये 2 बंदे के आराम से लेके चल सकते हो। बेस्ट टाइम यहाँ पे आप 6 से 9 बजे आ सकते हो और 4 बजे तक यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। जी हाँ, पूरी रात आपको ये खुला हुआ मिलेगा। चलिए घर चलते हैं फटाफट से और घर चल के खाना खाते हैं। चलिए जी, हम हो चुके हैं फ्री, अब निकल रहे हैं बस घर के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वे डायरीज का, थोड़ा सर्विस लेट था बट हाँ, फूड क्वालिटी वॉज गुड, अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। बाकी आपको घर चल के बता देंगे, और हम ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमें घर से बहुत बड़ी वार्निंग मिली हुई है कि हमें घर पे ही खाना खाना है। ये लो।